एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में चोरी, अस्पताल से करीब 50 लाख की बैटरी चोरी, तो पावर बैकअप के लिए लगाई गई थी बैटरी। तो अस्पताल स्टाफ के मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। मेंटेनेंस विभाग से जवाब भी मांगा गया है, सिक्योरिटी कंपनी से जवाब मांगा गया। तो नोएडा सेक्टर 30 के चाइल्ड पीजीआई हॉस्पिटल से करीब 50 लाख रुपए की बैटरी चोरी होने की वारदात सामने आई है। अस्पताल से बता दें, अस्पताल का मामला जहां पर पावर बैकअप के लिए बैटरी लगाई गई थी और अस्पताल स्टाफ की मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है इस पूरे मामले में। तो मेंटेनेंस विभाग से मामले को लेकर जवाब भी तलब किया गया है। नोएडा के सेक्टर 30 में बने चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अस्पताल की तस्वीरें दिखाएं आपको। चाइल्ड पीजीआई अस्पताल है, काफी आधुनिक इसको बनाया गया है बच्चों को इलाज को लेकर। इसी अस्पताल के अंदर रखे 1400 से ज्यादा बैटरी चोरी होने का मामला सामने आया। इसमें अस्पताल प्रशासन के लोग मिले होने की भी शुरुआती तौर पर आशंका व्यक्त की जा रही है। जो बैटरी चोरी हुए उन बैटरियों की कीमत लगभग 50 लाख के आसपास बताई जा रही है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभी किसी तरीके का जवाब नहीं दिया जा रहा है, ना ही अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है इस पूरे मामले को लेकर। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा में यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा गार्ड हैं उनको तैनात किया गया है, और हॉस्पिटल के अंदर की स्टाफ की बात की जाए तो रात और दिन ड्यूटी लगती है, लगातार स्टाफ यहाँ पर होता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, एक सरकारी संस्थान से इतनी बड़ी संख्या में आखिर ये बैटरी किस तरीके से चोरी हुए, इस साजिश के पीछे कौन है। फिलहाल थाना सेक्टर 20 में इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज करा ली गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और अस्पताल में लगे CCTV कैमरों के साथ साथ सुरक्षा में लगे गार्डों से भी पूछताछ की